एवरीवन, दिस इज योर बेस्ट एंड फेवरेट मारियो 78 वापस से आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो भाई लोग, आप लोगों के डिमांड पर लेके आ गया हूँ फिर से एक बार वन टैप हेडशॉट ट्रिक, वो भी गाइस M17 एंड M1014 का। ठीक है ना गाइस, आज की वीडियो में आप लोग को अल्ट्रा फास्ट वन टैप हेडशॉट का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। ठीक है ना गाइस, इसके साथ साथ भाई आप लोग जो है वन टैप तो लगा ही लोगे। ठीक है, आप लोग जो है अल्ट्रा फास्ट वन टैप लगा लोगे, साथ ही साथ आप लोग का जो है मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ गाइस, जो भी ट्रिक आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ना, ध्यान से आप लोग को समझना है और शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। ठीक है, मिस मत करना, फिर बोलोगे नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक देखो, इस ट्रिक को समझ लो अच्छी तरीके से और आप भी जो है इजी तरीके से अल्ट्रा फास्ट वन टैप लगा सकते हो। ठीक है ना गाइस, और साथ ही साथ हाई मूवमेंट के साथ। तो भाई लोग, इसके पीछे एक ही चीज़ मांगता हूँ, लाइक के बटन को अभी तक नहीं दबाया ना तो लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलो फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, फास्ट वन टैप लगाने के लिए आप लोग को तीन चीज़ों का सेटअप करना पड़ेगा। क्या क्या मैं आप लोग बता देता हूँ। सेंसिटिविटी टू हंड्रेड रखना है, दूसरा कस्टम एचयूडी पे चले जाना, और भाई तीन चीज़ें, पहला क्विक ओपन स्विच आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये चीज़ अगर इनेबल नहीं करा तो कर लेना, क्विक ओपन स्विच, जंप वाला बटन एंड भाई रन वाला बटन, ये तीन चीज़ें आप लोग का यूज़ होने वाला है फास्ट वन टैप पर। और फायर बटन तो आप लोग पता ही है, वो यूज़ होगा ही। और हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे तरीके से, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, आपको जहाँ सूटेबल लग रहा है, जहाँ अच्छा लग रहा है ना, उस जगह पे आप लोग को सेट कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं ना कि ऐसे कर लो वैसे लग जाएगा हेडशॉट, ये मत करना मेरा मानो तो। ठीक है, सही बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, जब ये चीज़ कर लो तो आपको करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई लोग, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फास्ट वन टैप स्विच प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये चीज़। भाई मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आप लोगों को क्या करना है, फायर स्विच करना है और बहुत तेज़ी से करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले क्या करना है, जंप करना है, उसके बाद जस्ट फायर करना है, और उसके बाद स्विच करके रन करना है दूसरे ओर। ठीक है, आप लोग को हाई मूवमेंट के साथ ये चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, जब गाइज ये चीज़ अच्छे से कर लो ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ अगर नहीं करा ना तो भाई आप लोग का जो फास्ट वन टैप नहीं लगने वाला। ठीक है, ये चीज़ पहले सीख लेना, उसके बाद बढ़ना आगे। तो आप उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बहुत सारे बंदे गलती करते हो कि भाई सीधे अगर रन कर रहे हो, बंदा दिख गया तो उसी टाइम आप लोग वन टैप लगा लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोग कभी भी सीधे जाते हुए, सीधे बंदा दिखा तो उसी टाइम गन पकड़ के वन टैप नहीं लगाना है। ठीक है, ये गलती करोगे तो देखो मेरा जो है कैरेक्टर आगे की ओर मुँह है। ठीक है, तो ईजिली वो भी मारेगा तो पहले गोली से वन टैप लग जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करना है। क्या करना है आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे गए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको रन करना है, जैसे ही बंदा दिखता है राइट साइड दौड़ जाना है। मतलब कि देखो, मैं राइट साइड जंप करा और वन टैप लगाया, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फास्ट वन टैप के लिए सबसे पहले आप लोगों को दौड़ के जाना है और राइट साइड घूम जाना है। ठीक है, सबसे पहले राइट साइड घूम जाना है और भाई अपना गन पकड़ के जंप करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या किया कि भाई राइट साइड घूमा, जंप करा, और एम कहाँ रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद वन टैप ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले रन करके जाना है और जंप करके हेडशॉट मारना है, लेकिन भाई राइट साइड घूम जाना है, लेफ्ट साइड भी घूमना है एनिमी के पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले गया मैं और भाई राइट साइड घूमा और जंप करके वन टैप लगाया। अब भाई सबसे पहले एम देख लो, एम हमेशा गाइस आप लोगों को कहाँ रखना है, उसके राइट साइड। देखो मैं आपको ध्यान से, आप लोग स्लो मोशन में दिखा दे रहा हूँ, अब मत बोलना नहीं दिखाया ऐसे, ये क्या होता है, क्या ऐसा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या किया, राइट साइड घूमा हाई मूवमेंट के साथ, जंप करा, और भाई एनिमी के हमेशा आप लोग का एम जो है राइट साइड रखने की कोशिश करना। ठीक है, अब भाई आप लोग सोच रहे होगे हमेशा राइट साइड रखें, हाँ गाइज हमेशा राइट साइड रखो, लेकिन गाइज मिड रेंज और लॉन्ग रेंज पर। आपको शॉर्ट रेंज में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ डेजर्ट ईगल वाली वीडियो पर। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे देखो बंदा जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट पे आ जाता है, तो शॉर्ट पे हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ कि देखो मैं वाइट एम ही रखा हूँ। ठीक है, वाइट एम से मैंने नीचे करके ऊपर की ओर ड्रैग करा तो यहाँ पे लगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, देखो मैं जो है शॉर्ट रेंज पे था, वाइट एम से मैंने मारा तभी हेडशॉट लगा। और भाई लॉन्ग रेंज मिड रेंज बोलने की बात आई ना, तो भाई आप लोग इजी तरीके से रेड डॉट लाने दो, लेकिन उसके राइट साइड रखो, रेड डॉट आने दो और डायरेक्टली नीचे करके ऊपर की ओर ड्रैग कर दो, आपका जो है वन टैप इजी तरीके से लगना लगेगा। ठीक है, होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो मैं आप लोग को पहले स्टेप पे बताया ना, जो आप लोग फास्ट स्विच प्रैक्टिस, वो चीज़ आप लोग को ध्यान से आप लोग देखना है और ध्यान से आप लोग को प्रैक्टिस करना है।
ठीक है ना गाइज। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो वन टैप लग जाएगा, आप मत करना गाइज। मेरा मानो तो जो रियलिटी है उसको बोल रहा हूँ, आप सच मानो तो जैसे मानो, ठीक है। अपने फ्रेंड लोग को जरूर शेयर कर लेना। चलो आज की वीडियो यहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पर।